क्वेश्चन है हमारा कि एक लूप है मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज सिक्स कॉर्नर एट दिस 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 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उसमें अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वैल्यू इज प्रेजेंट इन द रीजन, आपको फ्लक्स निकालना है। देखिए पहले तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ये रहा एक्स एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लूप जो है उसका एक कॉर्नर यहाँ पर है, जीरो जीरो यहीं तो होगा, जीरो 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 इसका नाम है ए, एक बी, बी कहाँ पर होगा एल जीरो जीरो, तो यानी यहाँ होगा एल जीरो जीरो एल जीरो जीरो, ये बी। तीसरा है सी, एल एल जीरो यानी एल एल जीरो एल एल जीरो, यहाँ पर सी होगा एल एल जीरो, दिस इज सी। डी है जीरो एल जीरो यानी यहाँ पर इसकी, यहाँ पर जीरो एल जीरो, ये डी पॉइंट, ठीक। उसके बाद ई जीरो एल एल, ये वाई जेड प्लेन में आ गया, वाई जेड प्लेन में जीरो एल एल जीरो एल एल, तो वाई जेड प्लेन में ये हो गया डी ई जीरो एल एल, दिस इज ई पॉइंट। और एफ पॉइंट कहाँ पर है, जीरो जीरो एल, ये एग्जैक्टली ये हो गया जीरो जीरो एल, मतलब आप समझिए कि ये एफ पॉइंट है। हमको छः कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, और अ लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस यानी ये जो लूप बना है वो ऐसा लूप बना है, ऐसे 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 और ऐसे, ये लूप ऐसे बना है। यानी एक बड़ा, ऐसे समझो एक बड़ा सा स्क्वायर रहा होगा, उसको बीच में से ऐसे मोड़ दिया है, उसको बीच में से ऐसे मोड़ दिया है, ऐसे रहा होगा उसको ऐसे मोड़ दिया है, ठीक है, ऐसे कर दिया है। तो ये हमारा, अब हमें इसमें से फ्लक्स निकालना है, इसका फ्लक्स निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ये दे रखी है हमको, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ये दे रखी है। तो अब इसको दो टुकड़ों में करेंगे, वेक्टर सम करके करेंगे। बताओ इतने हिस्से का एरिया बताओ, इसको A1 एरिया मान लेता हूँ, इसको A2 एरिया मान लेता हूँ। तो जो A1 एरिया होगा, साइड इसकी ये स्क्वायर दिख रहे हैं ना, तो एरिया एल स्क्वायर होगा, और जब इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो इसका नॉर्मल आई कैप, क्लियर है, एरिया को एरिया वेक्टर बनाना आता होगा, इतने को, इतने का एरिया नॉर्मल आई कैप नहीं, सॉरी बाहर के कैप, सॉरी बेटा के कैप, क्योंकि इसका नॉर्मल बाहर जाएगा। इस A2 एरिया के मामले में ये भी एल स्क्वायर होगा, लेकिन इसका नॉर्मल इधर जाएगा, तो इस पर वेक्टर डालेंगे तो आई कैप। तो इसका मतलब जो आपका इफेक्टिव एरिया हो गया वो हो गया A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, तो एरिया हो गया हमारा एल स्क्वायर, दोनों तरफ आ रहा है आई कैप प्लस के कैप, ये आपका इस लूप का एरिया हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब बी वेक्टर आपके पास है ही, बी वेक्टर कितना है आपका, बी नॉट आई कैप प्लस के कैप। अब आप बताइए, अब तो कर लोगे सवाल, बताना फ्लक्स क्या होता है बेटा। अच्छा कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप बी डॉट ए वेक्टर लगाइए, कहानी खत्म करिए। अब बी डॉट ए, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी नॉट एल स्क्वायर, अब आई का आई से करो वन, जे है ही नहीं, के का के से करो वन, तो ये हो गया टू बी नॉट एल स्क्वायर, टू बी नॉट एल स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर, ठीक।